हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नमस्ते भारत में वक्त है भारत चीन विवाद पर एक्सपर्ट्स को सुनने का। भारत चीन तनाव को लेकर सीमा से पिछले दिनों लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं। ऐसे में आपके मन में भी कई सवाल उठ रहे होंगे, आखिर चीन ऐसा कर क्यों रहा है, आखिर चीन के मन में क्या है, क्या मंशा पाले बैठा है चीन। सवाल ये भी है कि क्या चीन को लेकर हमें डिफेंसिव होना चाहिए या फ्रंट फुट पर रहकर चीनी सेना को जवाब देना पड़ेगा। आपके इस सवाल का जवाब सुनिए रक्षा विशेषज्ञ सरद चियांग से। दिस इज अ टाइम वेयर इंडिया इज इन अ स्ट्रॉन्गर पोजीशन एंड रिटेलिएट द वे दे हैव अक्यूज्ड अस एंड द वे दे हैव कम ऑन टू अस ऑफेंसिवली। नाउ वी डोंट हैव टू बी डिफेंसिव बट इन द सेम कॉइन वी गॉट टू गिव इट बैक टू टेल देम दैट की लिसन डोंट प्ले विद अस। सो दिस काइंड ऑफ अ स्ट्रॉन्ग अप्रोच वी गॉट टू टेक इट एंड वी कैन नॉट टेक इट लाइटली। शरद चियांग जैसे हमारे 10 रक्षा विशेषज्ञ लगातार 4 घंटे आपको इस पूरे मामले में अंदर की बात बताते रहेंगे, क्योंकि जब जब चीन की बात होती है 62 की, बात होती है इतिहास की, तो सवाल ये कि 1962 के बाद ऐसा क्या हुआ कि चीन ने ऐसी हरकत की। हमारे एक्सपर्ट डीबी शेतकर से सुनिए इस सवाल का जवाब। 1993 में जो चीन और भारत के बीच में एक शांति समझौता हुआ था, मैं भी उसमें हाजिर था, मैं सब था, मैंने ड्राफ्टिंग में भी था, चीन में मैं गया हूँ, उस समय मैं था जब ये साइन हुआ है। उन्होंने कहा कि वो समझौता साइन होने के बाद में एक भी गोली फायर नहीं की। आपने गोली फायर नहीं की, आपने ज़मीन तो दे दी ना, और वो इतनी दे दी कि चीन आज आपके अंदर आके बैठ गया है। तो जब तक उस समझौते को हम चीन को मानने पर मजबूर ना करें, हमारी शक्ति नहीं होगी, चीन नहीं मानेगा। एक नहीं, दो नहीं, 10 रक्षा विशेषज्ञों का एक्सपर्ट पैनल एबीपी न्यूज पर लगातार बना रहेगा और भारत चीन विवाद पर एक एक बात गहराई से आपको समझाएगा। तत्काल जवाबी कार्रवाई के लिए सेना सरकार से परमिशन लेती है या खुद ही तत्काल प्रभाव से निर्णय लेती है, आपके इस सवाल का जवाब देंगे रक्षा विशेषज्ञ तजिंदर पाल। द टेक्निकल कमांडर एट द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इज कॉम्पिटेंट टू ओपन ए फायर। अगर आवश्यकता है तो हमें एग्रेसिव पोस्चर इख्तियार कर लेना चाहिए। अगर हमने ये पहले किया होता तो शायद ये सिचुएशन ना होती। आपको जान के आश्चर्य होगा कि 2013 तक बार बार कभी भी हमने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का इंट्रूशन नहीं किया, चाइना ने किया, और करीब 650 स्क्वायर किलोमीटर एरिया चाइना ने ले लिया। 2013 तक ये हो चुका था, लेकिन अब समय बदल चुका है, नया भारत है, नई शासन प्रणाली है। अब ऐसे में हमको एग्रेसिव पोस्चर यानी के बिल्कुल आक्रामकता के साथ में और जगह भी ये कार्रवाई शुरू कर देनी चाहिए और इसका डटकर जवाब देना चाहिए। जो हमसे टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। 10 एक्सपर्ट, सबसे बड़े 10 एक्सपर्ट की पूरी सीरीज हम लगातार आपको सुना रहे हैं कि चीन और भारत के बीच अभी संबंध किस स्तर पर हैं, और इन संबंधों की पूरी कहानी हम विशेषज्ञों के जरिए जो चीन और भारत के मामले में बेहद जानकार हैं उनकी जुबानी सुना रहे हैं। चीन ने किस स्तर पर बातचीत होना चाहिए, सैन्य स्तर पर या राजनीतिक स्तर पर, इस सवाल पर देखिए रक्षा विशेषज्ञ SP सिन्हा का क्या कहना है। At this juncture, we should give military response to the military initiative, misadventure done by China. And that is the only way China will understand that in future, they will dare not try to repeat this mistake. So I think the time is not appropriate and not ripe for us to get into a discussion at foreign ministry level or at prime minister level. And military level is the only answer at this stage.